सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने शोक व्यक्त किया। नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में रविवार को भारी संख्या में आशु बहु इकट्ठा हुई और अमर शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया और दो मिनट का मौन रखकर अमर शहीद जवानों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। चंदा यादव ने कहा कि हम सभी आशा बहुएं और माताएं शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि देकर नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शहीद भाइयों का बदला लें और उन भ्रष्टाचारियों का पता लगाएं जो आतंकवादी घटना में शामिल हुए हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हम सभी माता बहनों से अपील करते हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मनाकर शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि दें। इस अवसर पर भारी संख्या में आशा बहु मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, चढ़ाया हुआ फूल इतनी जल्दी जल्दी आप लोग अपनी आशा बहुओं से, माताएं बहनें एवं भाइयों से सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके नाम पर आप श्रद्धांजलि दे रही हैं और दो मिनट का आप लोग सभी बहनें जो हैं मौन धारण करेंगी। आज हम सारी आशा बहुएं और माताएं, सारे भाइयों हमारे, जो हमारे भाई आज शहीद हुए हैं उन भाइयों को आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और नमन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके आत्मा को शांति दें और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो भाइयों का बदला लें, जो उनके पर अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उनका पता लगाएं कि उन भाई कैसे शहीद हुए हैं और अपनी आशा बहुओं से, माताओं बहनों से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो बेटा टेंडे मनाया जाता है 14 फरवरी को वो ना मना के जो है अब हमारी आशा बहुएं, हम माताएं बहने जो हैं उन शहीद भाइयों के लिए, उन शहीद बेटों के लिए, उन शहीद लाल के लिए जो है हम लोग शहीद श्रद्धांजलि देंगे, उनको अपने आत्मा से हम लोग शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से।